नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर युवाओं का शांति प्रदर्शन। खबर छतरपुर के लवकुश नगर के समस्त जागरूक युवाओं के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शांति रूप से प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने पंपलेट में स्लोगन के रूप में विरोध प्रदर्शन जताया। स्लोगन के रूप में लेख था कि हम सब ने ये ठाना है अस्पताल से दलालों को भगाना है। दवाइयों के नाम पर लंबा बिल, गरीब का जीवन हुआ बड़ा मुश्किल। सारे नगर में मचा है शोर, अस्पताल में बैठे ठग और चोर। डॉक्टरों से अपना बैर नहीं, दलाली करेंगे तो खैर नहीं। जैसे स्लोगन लिखकर युवाओं ने शांति के साथ नगर के स्टैंड पर अस्पताल की व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया। एवं समस्त युवाओं का कहना है, अगर समय रहते प्रशासन ने लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग में फैली अव्यवस्थाओं को जल्द सुधार नहीं करवाया तो आगे उग्र आंदोलन होगा। चंदला से संवाददाता रवि राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवे शैकवार। आज ये किस चीज़ का प्रदर्शन हुआ? आज स्वास्थ्य विभाग में जो अव्यवस्थाएँ हैं और स्वास्थ्य विभाग में दांगली चल रही है, उसको हम स्लोगन देके शांतिपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया है ताकि लोग जागरूक हो और अस्पताल के विरोध में हमारे साथ आए। अस्पताल की अव्यवस्थाएँ हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना डॉक्टर टाइम से बैठते हैं, ना डॉक्टरों का टाइम टेबल है, अपने केबिन को चलाते हैं, वहाँ पर हमारे बैठते हैं, शांति करते हैं, डॉक्टर सरकारी पर्चे पे प्राइवेट दवाएं लगती हैं जो कि कानून अपराध है। इसी को जागरूक करते हुए हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अस्पताल में जाके और भीष्ट कार्यालय में खड़े होकर स्लोगन दिया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आप लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री के नाम? हम लोग पहले भी दो बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उसका कोई परिणाम अभी हमारे सामने नहीं है। आगे क्या रणनीति होगी? आगे चलकर यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर उग्र प्रदर्शन के लिए हम लोग अग्रसर होंगे।